माय गॉड गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं सामने वो क्या है भाई, इतना चमकदार गाइस, वो सामने क्या चल रहा है भाई। माइगल ट्रेवल, जल्दी मेरे साथ आओ। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं अब मैं इस ब्लैक होल के अंदर भाई कूद जा रहा हूँ। मैं फ्रैंकिस भाई आराम से आ। वो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं भाई, ये सामने उल्टा खड़ा है भाई। आई डोंट नो यहाँ पे क्या चल रही है, जादू गुफा में भाई क्या हो रहा है भाई साहब, कितनी सारी लाइट पता नहीं क्या ये। और ये भाई गाइस, आई थिंक वहाँ पे मुझे भाई वो जादू फूल मिलने वाला। गाइस हम जल्दी से वहाँ पे चलते हैं। इस गुफा के अंदर क्या है ये गाइस, आई डोंट नो, ये अपने माइकल फ्रैंकिस भाई कहाँ पे आ गए। ओ तेरी भाई, मैं अपनी GTA 5 के अंदर पहली बार यहाँ पे आया हूँ भाई। तो सही में जादू की गुफा है। माइकल ट्रेवर जल्दी आओ भाई, मेरे पीछे ही हो ना। अबे माइकल सेकंड ट्रेवर जल्दी आओ यार, हमें यहाँ से जल्दी से बाहर निकलना पड़ेगा। ओए भाई एक सेकंड भाई, ये चोप कहाँ से आ गया अपने इस गुफा के अंदर। यहाँ पे हमें शॉर्टकट पढ़ने वाला। तो ओके गाइस, भाई ट्रेवर भाई कहाँ लेके जा रहा है। ओ माय गॉड भाई, वहाँ पे धुआं कैसे निकल रहा है। और ये सामने कौन सी लेडी बैठ रखी है भाई। अबे भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। ओ भाई क्या हो गया इस लेडी को। अरे भाई यहाँ पे धुआं कैसे आ रहा है भाई, जल्दी भागो। अबे ट्रेवर भाई जल्दी भाग। अबे भाई वहाँ पे भी धुआं आ रहा है, यहाँ पे कौए मर रखे इतने सारे भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे। अबे क्या कर रहा है भाई फ्रैंकिन, नहीं फ्रैंकिन नहीं। ओ माय गॉड गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं जो कि हमारा बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अबे भाई फ्रैंकिन, तूने कहाँ से अपनी कार को दबा दी यार, हमारे पीछे भूत पड़े हैं मुझे पता है, पर तू क्या कर रहा है भाई। सो गाइस गाइस गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग, और आप सभी का स्वागत है फिर से GTA 5 के एक और नए एपिसोड में। और जैसा कि आप सभी को पता हो कि हमारे GTA 5 के लास्ट एपिसोड में अपने माइकल फ्रैंकिन ट्रेवर के पीछे कितने सारे भूत पड़ गए थे, बट गाइस ये तीनों वहां से कैसे भी करके भाग के आ गए थे और फाइनली हमें ये भूत के बाबा मिल चुके थे। अब अपने माइकल और फ्रैंकिन ने अपनी सारी बातें इस भूत के बाबा को बता दी कि हमारे साथ क्या क्या हुआ था। और गाइस अपने भूत के बाबा अपने साथ चलने के लिए रेडी हो चुके हैं। और जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि इनके चारों तरफ पे कैसी आग उड़ रही है भाई हवा में। ओ भाई साहब, और ये खुद हवा में उड़ रहा है। सो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, इन भूतिया बाबा के पास सचमुच में भाई जादू शक्ति है। बट गाइस यहाँ पे एक दिक्कत की बात आ चुकी है कि ये हमारे साथ चलने के लिए एक ही शर्त पर रेडी होंगे, पहले हमें इन जादू बाबा का काम करना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं ये जादू बाबा कितने मतलब है गाइस, पहले हमें इनका काम करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारे साथ चलने के लिए रेडी होंगे। सो इन भूतिया बाबा ने हमसे दो चीजें लाने के लिए बोला है गाइस। ये कह रहे हैं कि अपनी GTA 5 के अंदर एक जादुई गुफा है। गाइस लिटरली मुझे आज से पहले नहीं पता था कि अपनी GTA 5 के अंदर जादुई गुफा है, और वहां से हमें एक जादुई फूल लेके आना है, जो फूल हमें इस जादुई बाबा को देना है। और ये दूसरी बात कह रहा है कि अपने माउंट चिली हार्ट पे एक व्हाइट कलर का शेर रहता है, जिसका हमें बाल लेके आना है और अपने भूते बाबा को देना है। अब भाई मुझे पता नहीं कि इन दोनों चीजों को क्या करने वाला है, बट गाइस हमें ये दोनों चीजें लाकर इसको देनी होगी, वरना ये हमारे साथ जाने के लिए रेडी कभी भी नहीं होगा। सो माइकल ट्रेवर भाई जल्दी मेरे साथ चलो, सबसे पहले तो हमें ये समुद्र पार करना पड़ेगा भाई। तो जल्दी माइकल ट्रेवर मेरे पीछे आओ भाई, जल्दी जल्दी। अबे माइकल ट्रेवर भाई जल्दी आओ, पानी के अंदर कुछ भी हो सकता है भाई, पानी कितना ठंडा है, जल्दी आओ यार, कितने स्लो मोशन में आए दोनों के दोनों। सो गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं हम किनारे पे आ चुके हैं, जल्दी आओ भाई जल्दी। अबे जल्दी आओ, अबे यार क्या कर रहा है ट्रेवर भाई, मेरी टांग पड़ के नीचे खींच दी पागल भाई, तू क्या कर रहा है यहाँ पे इतनी रात में भाई। भाई रात का टाइम कितना हो रहा है, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2:30 बजने वाले हैं, और ये बंदा यहाँ पे बैठ के क्या ही पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है भाई, मुझे गड़बड़ लग रही है, चल यहाँ से भाग। सो जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि वो बंदा यहाँ से भाग चुका है, और अपने फ्रैंकिन दादा की शक्ल देखो भाई, कितने डरे हुए हैं, क्योंकि गाइस आज अपने GTA 5 के अंदर कितनी अंधेरी और डरावनी रात है। तो माइकल और ट्रेवर भाई जल्दी मेरे पीछे भाग के आओ, हमें उस भूते वाला का काम करना पड़ेगा, वरना वो हमारे साथ नहीं जाएगा। हमें जल्दी से अपनी GTA 5 के अंदर वो जादू गुफा को ढूंढना पड़ेगा, और वहां से वह फूल ला के उस बाबा को देना पड़ेगा, और उसके बाद हमें माउंट चिली हार्ट पे भी जाना है, वहां से एक व्हाइट टाइगर का भाई वो बाल लेके आना भाई, जल्दी माइकल ट्रेवर जल्दी करो यार, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं लास्ट एपिसोड में आपने देखा होगा कि अपने माइकल दादा भाई ट्रक लेके आए थे, अब ये कौन जा रहा है भाई, सुअर इसको तो मारो, आजकल अपनी GTA 5 के अंदर सुअर बहुत हो रहे हैं। तो माइकल ट्रेवर भाई जल्दी बैठो, और जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि अपने माइकल दादा ने भाई इसके अंदर नियॉन लाइट भी लगवाई थी, क्या ही बात है, अंधेरी रात में भाई लाइट करने के लिए सही तरीका ही है। अबे जल्दी मोड़ यार फ्रैंकिन। सो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं अपने माइकल फ्रैंकिन ट्रेवर निकल चुके हैं उस जादुई गुफा की तलाश में। अरे भाई 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 एक सेकंड, ये कौन मरा पड़ा है यहाँ पे। गाइस आई थिंक भूतों को खबर हो चुकी है कि हम उस बाबा के पास आए थे। ओ भाई साहब यहाँ पे एक और बंदा मरा पड़ा है भाई, क्या ही सीन चल रहा है यहाँ पे, हिरण भी क्यों भाई इतने। भाई मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा गाइस, हमें जल्दी से उस अरे 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 भाई
यार ये हिरण मुझे गाड़ी के सामने क्यों आ रहे हैं यार, फालतू में मारा गया ये बेचारा हिरण। सो गाइस हमें जल्दी से उस जादू गुफा को ढूंढना पड़ेगा, वरना भाई हम गए हैं भाई, आश्रम गए। और जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं भाई, उस दिन तो इस पुल पे भाई भीड़ भी नहीं थी गाइस, आज तो भाई यहाँ पे कुछ गाड़ियां हमें दिख भी रही है। सो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं भाई, सामने कितनी धुंध हो रही है, मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा। सो गाइस अपना ट्रैवल ज्यादा कह रहे कि भाई यहाँ से नीचे उतार ले, यहाँ पे हमें शॉर्टकट पड़ने वाला। तो ओके गाइस भाई ट्रैवल भाई कहाँ लेके जा रहा है, ओ माई गॉड भाई वहां पे धुआं कैसा निकल रहा है, और ये सामने कौन सी लेडी बैठ रखी है भाई। गाइस आई डोंट नो ये क्या चल रहा है अपनी GTA 5 के अंदर। मैं भाई ट्रैवल तो कहाँ पे ले आया, हम अच्छा खासा रोड से जा रहे थे भाई साहब। अच्छा वो भाई अपनी जीप के अंदर इतनी सारी लाइट है गाइस, हम इसको देख पा रहे हैं। अबे भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, ओ भाई क्या हो गया इस लेडी को, अरे भाई यहाँ पे धुआं कैसे आ रहा है भाई, जल्दी भागो। अबे ट्रेवर भाई जल्दी भाग, अबे भाई वहाँ पे भी धुआं आ रहा है, यहाँ पे कौवे मर रखे इतने सारे भाई, क्या चल रहा है यहाँ पे, ये कौवे कहाँ से आए भाई, ये पक्का भाई भूत का काम लग रहा है गाइस, आई डोंट नो यहाँ पे क्या चल रहा है। उत्तरी भाई ये बंदी मर गई यहाँ पे गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं ये लीडी यहाँ पे मर चुकी है भाई। अरे भाई भाई भाई, भाई क्या चल रहा है यहाँ पे, जल्दी भागो। और उस वजह धुएं के अंदर क्या है, अबे माइकल ट्रेवर भाई जल्दी आओ, आई थिंक भाई यहाँ पे सीन चल रहा है भाई, यहाँ पे धुआं पड़ता जा रहा है। माइकल ट्रेवर भाई जल्दी आओ, सामने को कोई भी दिख जाए भाई तुम्हें मार देना है। अरे अरे भाई पानी में खा जा रहा है तू माइकल, अबे फ्रैंकलिन उत्तरी भाई पानी के अंदर कोई है, पानी के अंदर कोई है, अबे ये कौन है, अबे भाई ये कौन आ गया, ओ शिट मुझे मारने के लिए आ रही है, अबे भाई मैं कहाँ जा रहा हूँ, ओ भाई ट्रेवर जल्दी भाग तेरे पीछे कोई था, अबे माइकल जल्दी मार इसको, ये ले भाई ये ले, अबे माइकल ट्रेवर मार जल्दी मार भाई, ट्रेवर ने मारना चालू कर दिया। वो भाई साहब वहाँ पे उड़ आ रहे हैं क्या है, सामने कौन है उत्तरी भाई, ये खड़ी अपनी कार में तो डर ही गया था भाई, अपनी कार कहाँ पे गई। तो माइकल ट्रेवर भाई जल्दी आओ, कहाँ पे रह गए तुम दोनों भाई, जल्दी आओ माइकल ट्रेवर जल्दी आओ यार, यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, जल्दी 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 बैठो अपनी जीप के अंदर भाई। तो गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि अपने माइकल और ट्रेवर भाई यहाँ से भाग रहे हैं, जल्दी भागो दोनों के दोनों भाई, यहाँ पे जल्दी निकलो भाई, यहाँ पे मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, जल्दी निकलो यार। ओ भाई साहब यहाँ पे तो मुझे एक भी बंदा नहीं दिख रहा अपने अलावा, गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे मुझे अपने अलावा भाई एक भी गाड़ी नहीं दिख रही है, क्या कर रहा है भाई फ्रैंकलिन यार, जिसे गाड़ी नहीं समझ रही भाई ड्राइवर क्या कर रहे, मुझे बहुत लग रहा है, ओ शिट भाई अपनी कार पलट गई, ओ भाई साहब अबे भाई फ्रैंकलिन क्या कर रहा है यार। सो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं हम उस गुफा की लोकेशन पे तो आ चुके हैं, बट गाइस मुझे यहाँ पे आसपास कहीं वो गुफा दिख ही नहीं रही भाई, हमने बहुत ज्यादा ढूंढ चुके हैं बट गाइस अभी तक मुझे वो गुफा या फिर केव टाइप का कुछ दिख ही नहीं रहा। सो भाई यहीं पे वो आसपास यार गुफा होनी चाहिए थी, एक सेकंड भाई ये क्या है, आई डोंट नो गाइस ये सब क्या चल रहा है यहाँ पे, बट गाइस यहाँ पे एक झंडा लगा हुआ है वो भी हरे कलर का भाई, पर यहाँ पे केव कहाँ पे है माइकल ट्रेवर यार, जल्दी ढूंढो कहीं यहाँ भाई झाड़ू के अंदर तो कोई केव भी नहीं है भाई, जल्दी माइकल ट्रेवर जल्दी ढूंढो भाई, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, वो बाबा दी रहे हमारा पागल होने का, एक सेकंड भाई ये क्या है भाई साहब ये क्या है, अरे तेरी यहाँ पे कौन सी है गुफा जा रही है अंदर। गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ गुफा टाइप है भाई अंदर, यार यहाँ पे अंदर कौन जाएगा इतने अंधेरे में, मुझे पता नहीं गाइस यहाँ पे अंदर क्या हो सकता है यार, माइकल ट्रेवर तुम कहाँ पे, जल्दी ऊपर आओ। सो गाइस अपने माइकल ट्रेवर मेरे साथ नहीं आ रहे, परमानेंट से बोलते जैसे मैं आवाज मारू भाई दोनों के दोनों इसके अंदर आ जाना। सो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं अब मैं इस ब्लैक होल के अंदर भाई कूद जा रहा हूँ, अबे फ्रैंकलिन भाई आराम से आ, ओ शिट भाई अपने माइकल ट्रेवर मेरे साथ में आ गए भाई, कितने अच्छे हैं, आई डोंट नो गाइस मैं यहाँ पे कहाँ से आ गए ऊपर से कूद के, ओ माय गॉड गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं सामने वो क्या है भाई इतना चमकदार, गाइस वो सामने क्या चल रहा है भाई, माइकल ट्रेवर जल्दी मेरे साथ आओ। सो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो अपने माइकल फ्रैंकलिन ट्रेवर ये कहाँ पे आ गए अपनी GTA 5 के अंदर भाई साहब, इस गुफा के अंदर क्या है ये गाइस, आई डोंट नो ये अपने माइकल फ्रैंकलिन भाई कहाँ पे आ गए, ओ तेरे भाई मैं अपनी GTA 5 के अंदर पहली बार यहाँ पे आया हूँ भाई, तो सही में जादू की गुफा है, माइकल ट्रेवर जल्दी आओ भाई मेरे पीछे ही हो ना। सो गाइस आई डोंट नो भाई यहाँ पे कहाँ पे आ गए अपने माइकल ट्रेवर, जल्दी जल्दी ऐसे हमें बाहर निकलना पड़ेगा, ओ भाई सामने तो और कुछ भी है गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, आई डोंट नो भाई सामने क्या चल रहा है भाई, सही में जादू की गुफा है भाई जल्दी निकलो। गाइस फाइनली हम वहां से आ चुके हैं, वो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं भाई ये सामने और क्या खड़ा है भाई, आई डोंट नो यहाँ पे क्या चल रहा है, जादू की गुफा में भाई क्या हो रहा है भाई साहब, कितनी सारी लाइट पता नहीं क्या ये, और ये भाई
गाइस आई थिंक वहीं पे मुझे भाई वो जादुई फूल मिलने वाला है। गाइस हम जल्दी से वहां पे चलते हैं। सो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि अपने फ्रैंकिन दादा को वो जादुई फूल मिल चुके हैं और अपने फ्रैंकिन दादा ने वो जादुई फूल इस बैग के अंदर रख लिया है। और जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं भाई यहां पे कितना लंबा सांप मरा हुआ है जमीन के अंदर। भाई माइकल फ्रैंकिन ट्रेवर जितना जल्दी हो सके भाई ये गुफा के बाहर निकलो। अबे माइकल फ्रैंकिन ट्रेवर जल्दी हो यार, हमें यहां से जल्दी से बाहर निकलना पड़ेगा। ओए भाई एक सेकंड, भाई ये चोप कहां से आ गया अपने इस गुफा के अंदर। अबे फ्रैंकिन भाई इस पर ध्यान मत दे, फ्रैंकिन इस पर ध्यान मत दे भाई, ये भूतों का अपना छलावा है भाई, असली चोप नहीं है ये, असली चोप नहीं है। गाइस हमें यहां से जल्दी से बाहर निकलना पड़ेगा भाई, यहां पे हमारे साथ कुछ भी सकता है भाई, वहां पे नकली का चोप अपने भूतों ने वहां पे बिठा दिया। फ्रैंकिन भाई उनकी बातों में माता, तो यहां से जल्दी निकल। माइकल फ्रैंकिन ट्रेवर भाई जल्दी आओ जल्दी आओ। गाइस हम यहीं से आए थे और हम यहीं से अब भाग जाने वाले हैं भाई, जल्दी तैरो यार जल्दी तैरो। और गाइस अब हम चलते हैं सीधा माउंट चुली हाइट पे, वहां पे हमें एक व्हाइट टाइगर का बाल लेके आना उस भूत बाबे के लिए। भाई जल्दी आओ माइकल फ्रैंकिन ट्रेवर जल्दी आओ। सो गाइस जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि फाइनली अपने माइकल फ्रैंकिन ट्रेवर उस गुफा के बाहर आ चुके हैं। और लिटरली भाई ये केव अंदर कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी भाई, हर जगह लाइट और जादू दुनिया थी। सो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि अपने फ्रैंकिन वहां से जादू फूल लेके आ चुका है और अब हम चलते सीधा अपने माउंट चुली हाइट पे, जहां से हमें वो व्हाइट टाइगर का एक बाल लेके आना है। तो माइकल भाई जल्दी अपनी जीप के अंदर बैठो, फ्रैंकिन भाई जल्दी अपनी जीप तू हाईवे पर ले लो। और गाइस हम जल्दी से चलते हैं माउंट चुली हाइट पे। भाई यहां पे लाल बत्ती कहां जल रही है ये? अबे फ्रैंकिन आराम से भाई, क्या ही कर रहा है भाई, गिर मत जाइयो अपने पास भाई, बस ये एक ही जीप है भाई, आसपास कोई कार भी नहीं दिख रही मेरे को। अबे फ्रैंकिन भाई क्या ही कर रहा है यार, खाली रोड पर है, जल्दी अपनी जीप भगा भाई। एक सेकंड रुक। गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि सामने फ्रूट्स की शॉप पर यहाँ पे कोई है भी नहीं भाई, अपने माइकल फ्रैंकिन ट्रैवल तीनों को बहुत ज्यादा भूख लगी है और इन पे इतना टाइम भी नहीं कि गाइस ये अपने होटल में जाए। सो गाइस हम जल्दी से यहाँ से फ्रूट्स खा लेते हैं। सो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि अपने माइकल फ्रैंकिन ट्रैवल ने भाई यहाँ से बहुत सारे फ्रूट्स खा लिए हैं और अब हम सीधा निकलते हैं अपने माउंट चुली हाइट के लिए। यार ट्रैवल कितना लेट करता है भाई, ये बुढ़ा तो जा रहा है, इसकी उम्र निकलती जा रही है, पता नहीं इतनी लेट क्यों करता है जीप में बैठ के लिए। तो भाई हम सीधा निकलते हैं माउंट चुली हाइट पे। सो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि अपने फ्रैंकिन ने भाई 200 से ऊपर अपनी जीप भगा लिया है। भाई इसको बहुत सारा डर लग रहा है अपने कुंदन में आएगा, आई डोंट नो। इसने अपनी जीप भाई 250 पार कर ली और गाइस कैसे भी करके हमें माउंट चुली हाइट पे जाना ही होगा। अरे भाई आराम से। सो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि फाइनली अपने माइकल फ्रैंकिन ट्रेवर आ चुके हैं अपने माउंट चुली हाइट पे। ओ माय गॉड भाई कितना ऊंचा पहाड़ है ये, भाई अपनी जीप यहाँ पे चढ़ भी पाएगी? बट गाइस अपनी जीप ये ऑफ रोडिंग वाली है भाई, आराम से चढ़ेगी। पर क्या हो गया इसको, चढ़ गई। और जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं भाई कितना ब्यूटीफुल व्यू और अपने माउंट चुली हाइट से। गाइस हमें जल्दी से उस व्हाइट टाइगर को ढूंढना पड़ेगा और उसका एक बाल लेके जल्दी से हम चलते हैं अपने जादुई बाबा पे और भाई उसके बाद हमें उन सभी भूतों को भगाना पड़ेगा भाई। सो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं फाइनली हम अपने माउंट चुली हाइट के एकदम टॉप पे आ चुके हैं, बट हमें अभी तक भाई वो शेर नहीं मिला। भाई कहाँ पे गया है वो शेर? गाइस हमें जल्दी से किसी लोयन को ढूंढना पड़ेगा और भाई उसका एक बाल लेना पड़ेगा। कहाँ पे गया यार वो लोयन? भाई मिल नहीं दे रहा। ओ तेरी गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं फाइनली हमें ये लोयन मिल चुका है। और भाई ये जा कहाँ है? इसको रोको भाई, इसकी टांग में आई चोट लगी हुई है। बट ये जा कहाँ पे रहा है? अबे भाई फ्रैंकिन क्या कर रहा है? अबे बे 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 भाई फ्रैंकिन क्या कर रहा है? तो शेर को मारना है, तू अपने आप मर रहा है। अबे भाई वो नीचे जा रहा है। गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं भाई वो नीचे जा रहा है। गाइस मैं उसको मार देता हूँ, ये ले भाई मर गया बेचारा, मर गया अल्लाह। गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं अपने माइकल फ्रैंकिन ट्रेवर ने इस व्हाइट टाइगर को मार दिया है और ये भाई खून निकल गया। सो फाइनली अपने फ्रैंकिन ने शेर का एक बाल निकाल लिया। बट गाइस अपने फ्रैंकिन ने शेर को बिल्कुल भी मारना नहीं चाहता था, बट इसकी जान की बात थी गाइस, हमें इसलिए इसका बाल लेना पड़ा। तो माइकल और ट्रेवर भाई जल्दी मेरे पीछे आ जाओ भाई, हमें जल्दी से उस जादुई बाबा के पास जाना पड़ेगा। अबे अपनी जीप कहाँ पे गई भाई? मैं अपनी जीप भूल गया, कहाँ पे खड़ी की थी हमने अपनी जीप? अबे कहाँ गई अपनी जीप भाई? तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं भाई ये खड़ी अपनी जीप। माइकल ट्रेवर भाई जल्दी अपनी जीप के अंदर बैठ जाओ। अबे जल्दी आओ यार, क्या कर रहे हो? जल्दी। अबे फ्रैंकिन भाई नीचे मत गिरा दियो अपनी कार। अबे क्या कर रहे हो भाई? फ्रैंकिन नहीं। ओ माय गॉड गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं भाई अपने फ्रैंकिन ने ऊपर से अपनी जीप कुदवा दी। क्या कर रहा है भाई? 360 सब कुछ फाड़ दिया भाई अपने फ्रैंकिन ने। यार मुझे पता है तेरे पीछे भूत लगे, बट गाइस आई डोंट नो अपने फ्रैंकिन ने ऐसा क्यों करा। वैसे इसमें भाई मेरे को भी बहुत ज्यादा मजा आया क्योंकि बहुत देर से भाई हम अपनी जीप बहुत स्लो चला देते हैं। अबे क्या कर रहा है यार फ्रैंकिन, कम से कम तोड़ तो मत अपनी जीप। सो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं भाई ये काम तो फ्रैंकिन ने बहुत बढ़िया करा, वरना हमें माउंट चुली हाइट से उतरने में भाई कम से कम आधा घंटा गाइस हमारा वेस्ट हो जाता। अब हम 2 मिनट के अंदर अपने माउंट चुली हाइट से नीचे उतर चुके हैं। यार अब आया जीप का असली मजा। सो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं अपने फ्रैंकिन दादा ने भाई 2 मिनट के अंदर हमें अपने माउंट चुली हाइट से
नीचे उतार दिया ओ तेरी। सो गाइस अब हम चलते हैं सीधा अपने जादुई बाबा के पास जो कि हमारा बहुत देर से वेट कर रहे हैं। अबे भाई फ्रैंकी तूने कहां से अपनी कार कुतवा दी यार, हमारे पीछे भूत पड़े हैं मुझे पता है, पर तू क्या कर रहा है भाई, हमारी ऐसे जान भी जा सकती है भाई, क्या ही शन करता है भाई। फ्रैंकी तो बिल्कुल ही भाई खतरों के खिलाड़ी बन रहा है आजकल, पता नहीं क्या ही चल रहा है भाई। फ्रैंकी को मानना पड़ेगा भाई, अपनी जीप कहीं से भी कुतवा देगा। सो गाइस अब हम चलते हैं सीधा अपने जादुई बाबा के पास। सो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि फाइनली हम आ चुके हैं अपने जादुई बाबा के पास, और ये रहा हमारे नीचे जाने का रास्ता जो कि हमें सीधा अपने जादुई बाबा के पास लेके जाएगा। जल्दी करो मंकन फ्रैंकलिन ट्रैवलर भाई के जादुई बाबा अपनी वहां से जगह चेंज ना कर ले, जल्दी जल्दी जल्दी। आई थिंक गाइस वहां पे अभी भी अपने जादुई बाबा होंगे, जल्दी चलो यार, क्या ही कर रहे हो मंकन फ्रैंकलिन, अबे जल्दी आओ मंकन ट्रैवलर भाई, क्या कर रहे हो यार, अपना फ्रैंकलिन तो भाई कुछ जादुई जवान है इसलिए इतनी स्पीड में भाई नीचे उतर जाता है। बट गाइस अपने माइकल और ट्रैवलर की भाई एज हो चुकी है इसलिए वो इतना स्लो मोशन में भाई नीचे आते हैं, माइकल तो कुछ जादुई कर रहा है भले वो ट्रैवलर से जवान है, पता नहीं क्या ही कर रहा है। सो गाइस हम चलते हैं सीधा अपने जादुई बाबा के पास जो कि उस वाले टापू पे भाई हमें फिर तैरना पड़ेगा। सो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि फाइनली अपने माइकल फ्रैंकलिन ट्रैवलर आ चुके हैं इस टापू पे, और गाइस जल्दी से हम चलते हैं अपने बाबा जी के पास। अबे बाबा कहां गए, बोल रहे अपने बाबा जी, और ये क्या कर रहे अपने चारों तरफ पे भाई, ये क्या है। गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं अपने बाबा जी क्या कर रहे हैं अपने जादू टोना। गाइस आई थिंक ये सब भाई हमारे लिए कर रहे हैं उस भूत से लड़ने के लिए। सो अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं अपने भूतिया बाबा से और उनका सामान उनको दे देते हैं। सो गाइस जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि फाइनली हमने भूतिया बाबा को उनको सारा सामान दे दिया है, अब वो हमारे साथ चलने के लिए रेडी हो चुके हैं। वो कह रहे कि मैं उन सारे भूतों को भगा दूंगा या फिर मार दूंगा। सो गाइस अगर आपको आज वाली वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो कर देना लाइक, और गाइस अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और गाइस अगर आपको इस वाली वीडियो का पार्ट 5 चाहिए जहां पे हम उन सभी भूतों को भगाने वाले हैं तो कमेंट में लिख के जरूर बताना। अब मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।